कल की वीडियो देखकर थोड़ा हंसी भी आ रही है और सोच रहा हूँ कि मैं पता नहीं क्यों वीडियो अपलोड करके शेयर कर दी कि व्यूज़ भी 60-61 के आसपास हैं। खैर, हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करते रहनी है, कभी ना कभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मुहिम है इसी के अगर यही सक्सेस होगी तभी हम लोगों के काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे, चलते फिरते भी लोगों के काम हम लोग कर सकते हैं। मैंने अपनी एक दो वीडियो में बोला भी है कि सेवा करने के लिए धन की नहीं अपितु दिल में जुनून होना चाहिए और साहस होना चाहिए और हमारे अंदर की जो है अच्छाई होनी चाहिए, तब हम लोग लोगों की मदद करते हैं। तो आज मैं आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम लोग पहाड़ों से शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते थे और हमारी पढ़ाई पूरी हुई। आप देख सकते हैं ऐसे जटिल रास्ते हैं। तो इन कठिनाइयों से भरे जीवन से हमने अपने जीवन को कैसे शिक्षा से सुधारा है, वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहाड़ों का रहन सहन, पहाड़ों का जीवन इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग उसको समझते हैं कि ठंडी हवा है, ठंडी आबो हवा। हाँ, इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पर ठंडी आबो हवा है और शांति भी है, लेकिन जीवन जो जीवन शैली है वो काफ़ी कठिनाइयों से भरी है, यानी बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, करीब जब मैं कॉलेज पढ़ता था यानी जब मेरी पढ़ाई हो रही थी, तो हम लोग घर से हमारा बैग होता था करीब 7-8 किलो का, उस पर इतनी कापी किताब होती थी, हम लोग सारे ले जाते थे जितने हमारे पीरियड होते थे पहले से लास्ट तक। और हम कभी डांट भी नहीं खाते थे स्कूल में, क्योंकि हम थोड़ी सिंसियर छात्र हमको बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मौसम हमारे गांव में या हमारे ज़िले में बोल सकते हैं, गांव कौन सा, छोटा सा तो गांव है, फिर से बूंदाबांदी होने लगी है। और अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर और आप मेरे आगे पीछे देखिए कोई घर नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ पर पूरी की झाड़ियाँ मिलेंगी आपको और ड्राई लैंड मिलेगी यानी बंजर भूमि, अधिकांश यहाँ पर कृषि भी बहुत कम होती है। अगर हम लोग इसी रास्ते पर शाम को चलें तो जीव जंतुओं का भी भय बना रहता है, जंगली जानवरों का, जिस पर लेपर्ड और अन्य जीव जंतु और जो हमारे पालतू जानवर हैं उनके लिए भी रिस्क हो रहता है हमेशा कि ये कभी ना कभी उन पर अटैक कर जाते हैं। मैंने कई बार अपने सामने ही लेपर्ड को देख भी लिया है, लेकिन खैर अब तो आदत हो गई है हमें इन जंगली जीव जंतुओं के साथ रहने की। गांव काफ़ी है लेकिन वो दूसरी साइड को घर है, यहाँ पर ये जिस रोड पर हमारा घर है यहाँ पर घर नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा घर है, मेरे घर से भवाली मार्केट 5 किलोमीटर है और 5 × 2 = 10, तो मेरा 10 किलोमीटर तो डन है कि मैं चलता ही हूँ। और इसके अलावा भी जब हम लोग कई बार ऐसी जगह जाते हैं जैसे कभी हिडम्बा धाम या फिर कभी और टॉप टॉप पर जैसे टिप्पिन टॉप, नैनीताल की जो चाइना पीक है वहाँ पर, तो सोचिए कि एक दिन में मेरा कितना पैदल चलना हो जाता होगा, यानी 15-20 किलोमीटर आसानी से मैं बोल सकता हूँ कि मैं पैदल चलता हूँ। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो घर से, मेरे पापा भी स्कूल जाते थे, वो मतलब टीचर थे, तो रिटायर हुए मेरे पिताजी 2015 में, तो पापा घर से, उनका स्कूल टाइम होता था 8 बजे, उनको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पहुंचना होता था, और तो पापा 4 बजे उठ जाते थे सुबह मॉर्निंग में, तो उनके साथ साथ हम सभी लोग उठ जाते थे और उसके बाद हमने जो हमारा होमवर्क है उसको तैयार करते थे। उसके बाद फिर पापा के लिए जब नाश्ता बनता था हम लोग भी साथ साथ पापा के साथ खाते थे, और आज भी वो दिन याद आते हैं जब पिताजी घर आते थे तो हम लोग ये आस में लगे रहते थे कि पापा आएंगे और कुछ हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आएंगे। तो पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन, अब तो सब, मतलब हम ही अब इतने बड़े हो गए हैं। और जब फिर हम लोग भी जब नाश्ता करके स्कूल को जाते थे तो आधे रास्ते में जाके हमको फिर से थकाई लगने लगती थी, क्योंकि एक बैग भारी और दूसरा फिर स्कूल का प्रेशर, तब हम लोग सोचते थे कि यार जैसे तैसे हम लोग मतलब इंटर पास कर लें और फिर उसके बाद जीवन, मतलब लाइफ ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद, खैर लाइफ कभी ठीक नहीं होती है, मतलब जीवन में समस्याएं तो आते ही रहती हैं। पहले हम बच्चे थे तो हमको वो समस्याएं बड़ी लगती थी, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो उन समस्याएं, अब जब हम उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हमको शून्य लगती हैं। तो हो सकता है कि आज जो हमारी समस्याएं हैं आने वाले समय में हमें ये भी शून्य लगे। तो ऐसे
कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमने अपनी शिक्षा पूर्ण करी, और जब कॉलेज जाते थे तो कॉलेज नैनीताल डीएसबी कैंपस, तो वहाँ जाने के लिए हमको सबसे पहले भवाली जाते थे, फिर गाड़ी का वेट करते थे, मतलब पूरा दिन हमारा ऐसे ही स्ट्रगल में चला जाता था और पढ़ने का तो समय मिल ही नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा तो हम लोग ऐसे ही थक जाते थे। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहाड़ों पर जीवन कितना टफ होता है।